हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज देखिए, आज आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कुछ दृश्य, तो आप देख सकते हैं। वैसे ग्रामीण निर्माण विभाग कंट्रैक्ट के द्वारा अवगत किया जाता है कि जो नेल देवरी में सड़क का निर्माण किया गया है, उसमें मलवा डंपिंग जोन में ही डाला गया है। शुरुआती निर्माण के दौरान जो आंशिक मलवा अपने आप को जो नीचे गिर गया पहाड़ी के कारण, तो वो नीचे गिरा है, बाकी सारे डंपिंग जोन में। तो यदि मैं विभाग से यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि डंपिंग जोन में मलवा गया होता तो लाठीखरा के पास दो प्रतीक्षालय और एक घराट और खेत नेल देवरी में, खेत घटगाड़ और जहाँ भी खेतों में मलवा पड़ा है वो ऐसे नहीं मिलता। तो आप भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और आप भी कमेंट्स में लिखें कि वाकई में मलवा नीचे गिरा था या डंपिंग जोन में गया था। तो देखिए और वीडियो को अंत तक देखें। करीब 6-7 किलोमीटर तो उनके ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पातला खरक में जो दो बड़े वाले थे, 2 मीटर वाले चौड़े वाले, तो वो भी ख़राब हो रखे थे। तो लिपो पोती की गई थी उसमें भी, और फिर एक देवरी की तरफ पातला खरक के ऊपर में वहाँ भी टूट रखा था, एकदम पूरा एकदम खुल गया वो। तो इस प्रकार कई हैं जो कि उनको लिपो पोती की जा रही, नीचे से ऊपर से तो दिख रहे हैं कि कलमट पर नहीं, लेकिन नीचे से कलमट टूट रखे। तो देखिए आप लास्ट तक वीडियो में, और कमेंट जरूर लिखें। और अगर किसी भाई ने मेरा चैनल सपोर्ट नहीं किया हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अवश्य लिखें। मैं अपने चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद। पहलाख शेमन्य, मैं राधेश्याम सिंह, देवभूमि उत्तराखंड से। धन्यवाद। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत नवंबर 2021 को ये मलवा, ये बड़े बड़े बोल्डर देखो जो आप देख रहे होंगे, ये वीडियो के माध्यम से देख रहे, देखो कितना बड़ा बोल्डर है, ये देखो ये इतना बड़ा बोल्डर है कि इसको हिलाना क्या, तोड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये पूरा हमारी खेती को मतलब नवंबर की खेती, दो यानी 4 फसल तो ये इस खेत में हमने बोई नहीं है। तो अभी 5वीं फसल बोनी थी, तो वो फसल भी ये मलबे के कारण वो भी नहीं हो पाए।
अभी इसका मुआवजा कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, ये तो ना ठेकेदार को पता है ना विभाग वालों को पता है। ये देखिए ये इतना है, ये भी एक खेत है, लेकिन ये खेत भी नवंबर 2021 से इसमें भी खेती नहीं हो पा रही। अब देखो ऐसा लग रहा है कि इसमें खेती नहीं होती होगी, ऐसा लग रहा है खेत, देख लो। ये देखो कितने बड़े बड़े बोल्डर पूरा इस खेत में, देखो यहाँ से लेके वहाँ तक, देखो उस किनारे तक, वहाँ तक ये खेत है। लेकिन क्या है, पूरे पत्थरों के कारण ये खेती नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि नवंबर 2021 से लेके अभी तक 20 महीने होने वाले हैं, लेकिन इस मलबा को जिसका तसी रखा गया है हटाया नहीं गया है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा, ये तो विभाग वाले भी कहते हैं आप लोग हटा लो। अगर बताओ इतना मलबा हम खेती से कैसे हटाएंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर जो कि ना तोड़े जाते हैं ना वो हटाए जाते हैं। तो ये सब काम विभाग का था, ठेकेदार का था। तो देखिए पूरा मलबा, ये दीवार है सड़क की दीवार, और ये यहाँ से नीचे पूरा मलबा है। देखिए तीन बार से दिवाली गिर चुकी है, उसका भी मलबा नीचे पड़ा हुआ है। ये यहाँ तक पूरा पत्थर ही पत्थर हो रखा। ये देखो रास्ता कितना गजब का रास्ता दे रखा बना करके, जो कि जो ये खेती है, खेती में जाने के लिए रास्ता, देखो कितना तगड़ा रास्ता बना के दिया है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के ठेकेदार विभाग ने। ये देख कितना है, अच्छा है, जिससे कि आदमी गिर पड़ जाए। ये देखो ये नीचे पूरी खेती है, इस खेती में जाने के लिए ये रास्ता है, जो ये रास्ता बना रखा है ये यहाँ से नीचे को खेती में जाने के लिए। ये देखो यहाँ से, ये देखो ये पूरा खेती है, ये इस खेती में जाने के लिए, ये देखो ये पूरा खेत वहाँ से पीछे तक, ये पूरी खेती है।